बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिलेबस को डिवाइड करने का तरीका सीखेंगे। सिलेबस को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी बुक में टोटल चैप्टर्स कितने हैं। टोटल चैप्टर्स हमने देखने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इंग्लिश की बुक में 12 चैप्टर्स हैं टोटल, तो हमने उनको चार चार करके 3 टर्म पे डिवाइड कर देना है। 3 टर्म पे डिवाइड करने के बाद हमने फर्स्ट टर्म को लेना है। फर्स्ट टर्म में हम अपना टाइम पीरियड देखेंगे, जैसे कि अगर हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है मार्च से, तो हमारे पास टोटल होते हैं 4 मंथ, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अब हमने इन 4 चैप्टर्स को इन 4 मंथ पे डिवाइड नहीं करना है, बल्कि हमने इन 4 चैप्टर्स को 3 मंथ्स पे डिवाइड करना है, मार्च, अप्रैल एंड मई, क्योंकि जून में हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और एग्ज़ाम्स होते हैं। सो हमने इन 4 चैप्टर्स को इन 3 मंथ्स में डिवाइड कर देना है। हमारे पास इन चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, ब्लैंक्स एंड मच मोर। तो हमने इन 4 चैप्टर्स को 3 मंथ्स पे डिवाइड करके बच्चों को उनका सिलेबस क्लियर करवाना है। थैंक यू।